आज हम स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस मैथ फॉर बीए बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। सिलेबस को हम पहले समझ चुके हैं कि किस तरीके से चैप्टर वाइज हमारे पास यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमारे पास केवल एक ही चैप्टर है, रायमन इंटीग्रल, जिसको कि आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, लोअर एंड अपर सम, ऑसिलेटरी सम, इन्हीं के ऊपर हम बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे और जो भी इनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे उनको समझेंगे। तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं पार्टीशन क्या होता है। देखिए, यदि हमारे पास कोई भी एक क्लोज इंटरवल है, हम उसको आई से डिनोट कर देते हैं, और जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर 2 और 11, ठीक है, ये हमारे पास बी ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल। अब जो इसका पार्टीशन बनेगा उसको हम डिनोट करते हैं पी के साथ। अब ये पार्टीशन किस तरीके से बनेगा इसका, देखिए, इस क्लोज इंटरवल से हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट में हमारे पास टू, हमारे पास इनिशियल पॉइंट रहेगा, मतलब कि इनिशियल एलिमेंट रहेगा, और फाइनल हमारे पास 11 रहेगा। बीच में हम कोई भी ऐड कर सकते हैं जो इनके बीच में आए, जैसे कि हमने 3 ले लिया, 5 ले लिया। तो इस फाइनाइट क्लोज इंटरवल के लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसकी पार्टीशन है पी, इसको पी से डिनोट किया जाता है। किसी भी एक क्लोज फाइनाइट इंटरवल के लिए हम कितने भी, मान लो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसकी पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे कि इस बार हमने पॉइंट लिया यहाँ पर 3 और 5, अगली बार हम ले लेंगे यहाँ पर 2 और 11, तो हमें लेने ही हैं। हमने यहाँ पर ले लिया जैसे कि 2.1, 6.1, तो ये भी हमारे पास इसकी पार्टीशन कहलाएगी। अब नेक्स्ट टाइम हमने कुछ इस तरीके से ले लिया यहाँ पर 2, 11, यहाँ पर हमने ले लिया 5 और यहाँ पर हमने ले लिया 10, तो ये भी इसकी पार्टीशन रहेगी। तो इसी तरीके से किसी भी एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल के लिए हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ उसकी पार्टीशन हो सकती है। स्कोर कर ले लिया आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास क्लोज इंटरवल है कुछ इस तरीके से 2, 11, अब हमने 3 और 5 नंबर लिए थे यहाँ पर बीच में इनके 3, 5, तो एक तरीके से जो हमारे पास ये क्लोज इंटरवल था इसको हमने 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि एक ये बन चुका हमारे पास, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसी को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, यही हमारे पास कहलाती है इसकी पार्टीशन, ठीक है। सभी सब इंटरवल के जो ये पॉइंट है इसी को हम लिख देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी पार्टीशन कहलाएगी। अब एक एग्जांपल है यहाँ पर बुक में, इसको तो देखकर ही आप समझ सकते हैं कि इनके लिए हमारे पास क्लोज इंटरवल क्या रहेगा। देखिए, ये हमारे पास पार्टीशन दी गई है, इस पार्टीशन में हमारे पास एक पॉइंट लिया गया है 1/2, इसमें 1/3, 2/3, इसमें 0.1, 0.2, 0.9, बट आप इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखिए, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इनिशियल पॉइंट इसमें भी 0 है, इसमें फाइनल पॉइंट 1 है और इसमें भी 1 है। तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि इन सभी पार्टीशन के लिए जो हमारे पास क्लोज इंटरवल रहेगा वो हमारे पास 0 और 1 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इनिशियल पॉइंट 0 है और फाइनल 1 है। पार्टीशन को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। अब नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होती है, जैसे कि इसी के साथ समझते हैं। हमारे पास आई एक क्लोज इंटरवल था कुछ इस तरीके से, इसके लिए हमने कोई एक पार्टीशन बनाई कुछ इस तरीके से 2, 3, ये सेट के रूप में होती है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं एक बार इसको लिख देता हूँ 2, 3, 5, 11। अब देखिए, ये सब इंटरवल बन चुके हैं, यहाँ पर एक सब इंटरवल है, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। अब इन सब इंटरवल के बीच के हमें लेंथ फाइंड आउट करनी, मतलब कि ये एरिया कितना है इन दोनों के बीच में, फिर इनके बीच में और फिर इनके बीच में, किस तरीके से फाइंड आउट होगी। अब देखिए, इस सब इंटरवल के लिए हमारे पास लेंथ क्या होगी, 3, -2, इसके लिए क्या होगी 5, -3, इसके लिए क्या होगी 11, -5, तो इसके लिए हमारे पास लेंथ क्या आएगी सब इंटरवल के लिए, लेंथ ऑफ सब इंटरवल 2, 3, इसके लिए हमारे पास आई है लेंथ 1, इसके लिए क्या आएगी 5, 3 के लिए, मतलब कि सॉरी 3, 5 के लिए, ये हमारे पास सब इंटरवल है, इसके लिए हमारे पास लेंथ आएगी 2, और फिर जो लास्ट वन सब इंटरवल आई है यहाँ पर 5, 11, इसके लिए हमारे पास क्या आएगी 11, -5, 6। तो जो हमारे पास हाईएस्ट लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी इन सब इंटरवल की, जो देखिए यहाँ पर क्या है 1 है इसके लिए, 2 इसके लिए है और 6 इसके लिए है, तो मैक्सिमम क्या है 6 है यहाँ पर, इसी को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब कि पी पार्टीशन था हमारे पास, इसकी जो नॉर्म होगी इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों साइड इस तरीके से नोटेशन इसकी होगी और इसी के साथ इसको कुछ इस तरीके से देखा जाता है। जैसे कि हमारे पास दो तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ पार्टीशन और एक हम बोलेंगे इसको मैस ऑफ पार्टीशन, तो कुछ इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 हमारे पास क्या था, मैक्सिमम लेंथ थी, तो ये हमारे पास क्या रहेगी नॉर्म ऑफ पार्टीशन फॉर दिस, ठीक है, ये हमने पार्टीशन इसको लिया था। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, देखिए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, जैसे कि ये हमारे पास एक पार्टीशन है,
ठीक है पी, इसमें हमारे पास पॉइंट कुछ इस तरीके से, मतलब कि सेट के एलिमेंट है ये कुछ इस तरीके से 2, 3, 5, 11। यदि हम क्या कर दें, कुछ अन्य एलिमेंट और शामिल कर दें इसमें, एक नई पार्टीशन हम बना लें, जैसे कि 2, 3, 5, हम 7 ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें, तो इसको जो पार्टीशन बनेगी इसकी सहायता से हमने दूसरी पार्टीशन बना ली यहाँ पर कुछ अन्य नंबर ऐड करते हुए यहाँ पर, तो ये हमारे पास कहलाएगी रिफाइनमेंट ऑफ पी। हमने पी जो पार्टीशन थी उसको रिफाइन कर दिया एक तरीके से, कुछ अन्य एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए हमने, तो इसको हम कहेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं बुक से, ये देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताएगा यहाँ पर, कंसीडर द इंटरवल, ये हमारे पास एक इंटरवल है 1, 3, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो हमने पार्टीशन लेट की वो कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3, हमने कोई 2 नंबर एलिमेंट ले लिया इसके बीच में, तो हमारे पास ऐसे सेट हो बनेगा, ये पार्टीशन पी है एक तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हमने इसको रिफाइन कर दिया, मतलब कि कोई अनदर हमने नंबर ले लिया 1.5, तो हम क्या कहेंगे देन दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, जो ये पार्टीशन थी इसका ये क्या है रिफाइनमेंट आ चुका है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम कहेंगे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, देखिए जैसे कि इसमें क्या था 1, 2, 3 थे हमारे पास पार्टीशन में एलिमेंट, इसमें भी 1, 2, 3 तो है ही, बट हमने कोई अनदर ले लिया बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए जैसे कि 1, 2, 3 एक हमारे पास यही है पार्टीशन यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जब इसको रिफाइन किया तो 1, 1.4, 1.8, 2.2, 2.6, 3, बट ये 2 हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये हमारे पास एक रिफाइनमेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। जो हमारे पास ओरिजिनल पार्टीशन है उसमें जो एलिमेंट है वो तो होने ही चाहिए इसमें, और कुछ अनदर हम ऐड कर सकते हैं इन बिटवीन जो भी हमारे पास होंगे, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया था, ये देखिए इसके लिए जब हमने नॉर्म निकाली थी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, तो वो हमारे पास क्या आई थी, यही है हमारे पास इंटरवल, मतलब कि कुछ इसी तरीके से हमने ली थी पार्टीशन, तो इसके लिए नॉर्म ऑफ पार्टीशन हमारे पास आई थी 6। अब इसके लिए निकालते हैं, तो देखिए 2 और 3, मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेंगे सब इंटरवल 2, 3, 5, 7, 8, 11, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी 1, फिर यहाँ पर क्या होगी, देखो लेंथ जो होगी सब इंटरवल की, यदि हम थ्योरेटिकल उसको समझ रहे हैं तो उसको इस तरीके से डिनोट कर दिया जाता है, मतलब कि इसके लिए ये कुछ तरीके Δ1, Δ2, Δ3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाली तो 1 आई, अब इसके लिए क्या होगी 2, इसके लिए क्या होगी 2, इसके लिए क्या होगी 1, और इसके लिए क्या होगी 3, तो इसमें हमारे पास जो इस केस में जो हमारे पास रिफाइनमेंट की हमने नॉर्म निकाली है हमारे पास आई 3। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी पार्टीशन को हम रिफाइन करते हैं, रिफाइनमेंट की नॉर्म हमेशा पार्टीशन की नॉर्म से कम होगी या फिर उसके इक्वल हो सकती है, एक ज़्यादा हमारे पास नहीं होगी हमेशा, आपको ये ध्यान में रखना है कि इक्वल हो सकती है या फिर कम हो सकती है, दो ही केस हमारे पास बनेंगे, ग्रेटर उससे नहीं हो सकती। अब हम समझते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर, अपर एंड लोअर सम्स। तो देखिए लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन मीन्स आपको पता है कि उस फंक्शन में हमारे पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पर हमें एक सुप्रीमम मिलेगा और एक इंटरिमम मिलेगा। डिफाइन ऑन ए फाइनेट क्लोज इंटरवल, एक फाइनेट क्लोज इंटरवल ए बी पर वो डिफाइन है, एंड सपोज ए पार्टीशन, कोई भी एक हम यदि पार्टीशन लेट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास किस तरीके से सब इंटरवल्स होंगे और उन सब इंटरवल से किस तरीके से हम अपर सम और लोअर सम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उनको हम समझते हैं यहाँ पर, नोटबुक में समझ लेते हैं इसको। तो देखिए सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देखिए क्लोज इंटरवल ए बी, ये ए है ये बी है, ये कुछ इस तरीके से हम फंक्शन ले लेते हैं इस और, ठीक है, तो इस पर ये डिफाइन है, तो इसमें हमारे पास बाउंडेड की बात आई है तो एक हमारे पास इंफ्रीमम होगा और एक सुप्रीमम होगा, ठीक है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं हम एक बार ग्राफिकली थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी जो ये वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ पर एज ए सुप्रीमम होगा इस फंक्शन पर, ये हमारे पास एज ए इंफ्रीमम होगा, तो कुछ इस तरीके से लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ ए, यहाँ पर होगा एफ ऑफ पी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये हमारे पास एज ए सुप्रीमम है इस फंक्शन के लिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड है, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एज ए इंफ्रीमम है। अब हम एक पार्टीशन लेट करते हैं यहाँ पर, कुछ सब इंटरवल बनाएंगे, तो पी इक्वल टू पार्टीशन के, आपको पता है कि क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या था ए बी था, तो सिंपली ए हमारे पास इनिशियल पॉइंट रहेगा और बी हमारे पास फाइनल पॉइंट रहेगा, बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ए नोड हमने ले लिया, ए वन ले लिया, ए टू ले लिया, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर ए नोड, यहाँ पर ए वन, ए टू, तो इन पर भी फंक्शन चेक करते हैं किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए नोड
एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ ए टू, कुछ इस तरीके से। अब देखिए सब इंटरवल ये बन चुके हैं, तो इनके लिए किस तरीके से सुप्रीमम और इन्फिमम रहेगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, तो एक हमारे पास सब इंटरवल ये रहेगा। इसके लिए चेक करेंगे सुप्रीमम और इन्फिमम, फिर इसके लिए चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी चार यहाँ पर सब इंटरवल बन चुके हैं। तो सबसे पहले ये इंटरवल लेंगे हम, फिर नेक्स्ट सब इंटरवल लेंगे कुछ इस तरीके से, फिर नेक्स्ट हम लेंगे, और लास्ट वन जो सब इंटरवल है कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट, सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी इसके लिए क्या रहेगा और इसके लिए क्या रहेगा, फिर लिस्ट अपर बाउंड इसके लिए क्या रहेगा, इसके लिए क्या रहेगा और इसके लिए, और साथ में इसके लिए क्या रहेगा। इन सभी को हमें देखना है यहाँ पर क्या रहेंगे, किसके लिए, कौन से सब इंटरवल के लिए। देखिए नॉर्मली हम जो भी थ्योरम करते हैं मैथमेटिकली थ्योरेटिकली एक तरीके से, तो वहाँ पर हम जो जी एल बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसको हम इन्फिमम कहते हैं, जिसको कि हम इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल एम के साथ, और लिस्ट अपर बाउंड जो कि सुप्रीमम होता है इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल एम के साथ। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जब हमने सब इंटरवल लिया तो इसके लिए हम जो सुप्रीमम रहेगा उसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल एम वन के साथ, और इन्फिमम को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर स्मॉल एम वन के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से इस सब इंटरवल के लिए भी हम जो इन्फिमम रहेगा इसको लेट कर लेते हैं स्मॉल एम टू के साथ, सुप्रीमम रहेगा उसको लेट कर लेते हैं एम टू के साथ कैपिटल के साथ, फिर इस सब इंटरवल के लिए हम जो स्मॉल एम थ्री रहेगा ये हमारे पास रहेगा एज ए इन्फिमम, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक बार लिख देते हैं कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा एफ ऑफ ए पर, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सुप्रीमम एफ ऑफ ए नोड पर, यहाँ पर इस सब इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करेगा एम टू हमारे पास स्मॉल, जो कि हमारे पास इन्फिमम रहेगा ए नोड पर, और सुप्रीमम रहेगा एफ ऑफ ए वन पर, इसमें हमारे पास एफ ऑफ ए वन पर एज ए इन्फिमम रहेगी वैल्यू, और एफ ऑफ ए टू पर हमारे पास एज ए सुप्रीमम रहेगी वैल्यू। अब सुप्रीमम हम ले लेते हैं कैपिटल एम थ्री, ठीक है, इसमें हमारे पास एफ ऑफ ए टू पर एज ए इन्फिमम रहेगी सब इंटरवल के लिए वैल्यू, ठीक है, और एफ ऑफ बी पर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा सुप्रीमम, तो इन्फिमम हम ले लेते हैं स्मॉल एम फोर, और सुप्रीमम हम ले लेते हैं कैपिटल एम फोर, कुछ इस तरीके से। अब अपर सम और लोअर सम ये क्या होता है इसको आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर सम की, लोअर सम फिर अपर सम, ये एक तरीके से आप एक फॉर्मूला समझ सकते हैं। इसको देखो कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है, एल ऑफ जो भी हमारे पास फंक्शन है वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो पार्टीशन है उसको इस तरीके से लिखेंगे एल ऑफ एफ पी, फिर अपर सम को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं यू ऑफ एफ पी, ठीक है। अब समेसन ऑफ आर इक्वल टू वन टू अन, आर इक्वल टू वन टू अन। अब देखिए ये आर क्या दर्शाता है, ये आर हमारे पास दर्शाता है कि कितने यहाँ पर सब इंटरवल हमने किए हैं किसी भी एक पार्टीशन के लिए, ठीक है, तो कितने हमारे पास सब इंटरवल बने हैं यहाँ पर। तो ये वन टू अन, मान लो कि सबसे पहले तो हम इसके लिए स्टडी करें तो यहाँ पर फोर बने हैं, तो यहाँ पर हम फोर ले लेते हैं, ठीक है, फोर इसमें भी फोर। अब देखिए अल लोअर सम में क्या होता है, हमारे पास जितने भी ये सब इंटरवल हैं इनके हम सबसे पहले तो देखिए एक तरीके से इन्फिमम को लेते हैं, सभी के इन्फिमम को लेंगे, जैसे कि फर्स्ट हमने इन्फिमम लिया, अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी लेंथ है सब इंटरवल की यहाँ पर, फिर प्लस सेकंड हमने लिया उसके साथ लेंथ जो सेकंड की रहेगी सब इंटरवल की उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड हमने लिया इन्फिमम इस सब इंटरवल के लिए इसकी लेंथ मल्टीप्लाई में, फिर नेक्स्ट हमने जो लास्ट वन यहाँ पर इन्फिमम है उसको लिया और उसकी लेंथ मल्टीपल में, इन सभी को ऐड जब हम कर देंगे वही हमारे पास कहलाएगा लोअर सम, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे हम अम, और देखिए लेंथ को डेल से डिनोट कर दिया जाता है, तो डेल यहाँ पर हम फोर ले लें तो फोर, और यहाँ पर भी फोर, मतलब कि आर दर्शा देंगे यहाँ पर, ठीक है, आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसी तरीके से आएंगी अम वन डेल वन, अम टू डेल टू, अम थ्री डेल थ्री, अम फोर डेल फोर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर अम वन डेल वन, अम टू डेल टू, अम थ्री डेल थ्री, अम फोर डेल फोर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा लोअर सम आ जाएगा इस जो भी हमारे पास ये पार्टीशन है इसके हमने सब इंटरवल किए इसके लिए, ठीक है। अब ये डेल वन क्या होगी यहाँ पर अगर आप चेकआउट करना चाहेंगे तो डेल वन किस तरीके से निकलेगी ए नोड नेगेटिव ए, डेल टू किस तरीके से निकलेगी ए वन नेगेटिव ए नोड, ए टू नेगेटिव ए वन, ये हमारे पास क्या निकल जाएगी डेल थ्री की वैल्यू, तो बी वन बी नेगेटिव ए टू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी इस तरीके से डेल फोर की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हम पुट करेंगे न्यूमेरिकल, जब हम करेंगे इसके तुरंत बाद ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आप क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है।
अब देखो ये तो हमारे पास कहता है हमने फोर सब इंटरवल लिए यहाँ पर, अगर हम अनथ सब इंटरवल कर लेते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से लिख देंगे, जर्नल जो फॉर्म रहेगी आर इक्वल टू वन से लेकर अन, ठीक है, आर जो हमारे पास है ये इसकी वैल्यू वन से लेकर अन तक हो सकती है अन सब इंटरवल के लिए, और यहाँ पर अम आर डेल आर कुछ इस तरीके से, अम वन डेल वन, अम टू डेल टू, इसी तरीके से लास्ट वन जो हमारे पास होगा अम वन अम अन डेल अन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आप समझ सकते हैं इसको लोअर सम का। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए अपर सम में क्या होगा, अपर सम में हम लेते हैं जो सुप्रीमम वैल्यूज होती हैं उनको, सुप्रीमम इस फर्स्ट इंटरवल के लिए क्या रहेगा, फिर इसके इंटू में हम लेंगे लेंथ इसके लिए क्या रहेगी सब इस सब इंटरवल के लिए, फिर प्लस सेकेंड सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा इंटू में उसकी लेंथ, फिर प्लस थर्ड जो हमारे पास सुप्रीमम होगा थर्ड इंटरवल के लिए उसके मल्टीप्लाई में उसकी लेंथ, फिर प्लस जो हमारे पास लास्ट वन फोर्थ यहाँ पर हमारे पास सब इंटरवल है इसके लिए जो सुप्रीमम वैल्यू होगी इसके एंटी में उसकी लेंथ। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, तो अम वन डेल वन, अम टू डेल टू, और लास्ट वन अगर हम अनथ के लेकर हैं तो अम अन डेल अन, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास अपर सम एंड लोअर सम होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से डिनोट किया जाता है, बाकी हम अब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियरली आप इसको समझ पाएंगे। अब एक टर्म है यहाँ पर ओसिलेटिंग सम, ओसिलेटरी सम, तो ये हमारे पास क्या होती है ओसिलेटरी सम, ओसिलेटरी सम क्या होती है, देखिए ओसिलेटरी सम को हम डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ, ओमेगा जो भी हमारे पास ये फंक्शन है पार्टीशन, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हमने अल और यू लिया यहाँ पर हम ओमेगा लेंगे किसके लिए, ओसिलेटरी सम के लिए। अब ये होती क्या है, जब हम अपर एंड लोअर सम फाइंड आउट कर लेते हैं तो अपर सम नेगेटिव लोअर सम इसी को हम कहते हैं ओसिलेटरी सम, ठीक है, जैसे कि अनथ के लिए क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि अपर सम कैपिटल आर डेल आर नेगेटिव आर इक्वल टू वन से अन स्मॉल आर डेल आर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा समेशन हमने कॉमन आउट कर लिया डेल आर, तो ये हमारे पास कहलाएगा ओसिलेटरी सम। अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको ताकि और भी अच्छे तरीके से हम इसको समझ सकें। तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर इफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, ये क्लोज इंटरवल 1-4 पर हमारे पास डिफाइन है, इसके लिए पार्टीशन भी हमारे पास गिवन है, तो हमें करना क्या है देन कंप्यूट हमें लोअर सम और अपर सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी के साथ हमें ओसिलेटरी सम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो कंसेप्ट हमने समझे हैं यहाँ पर ये सभी आपके अभी क्लियर हो जाएंगे, तो समझते हैं इसको एग्जांपल को। ठीक है सिंपल हमें गिवन क्या है यहाँ पर, फंक्शन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर जो कि डिफाइन है उन क्लोज इंटरवल में 4, पार्टीशन हमारे पास है 1 2 3 4, तो सिंपल बिल्कुल इसी से रिलेट करते हुए अभी इसको करने वाले हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल ले लिया 1, ये यहाँ पर 4 है, और फंक्शन हमारे पास क्या है ये यहाँ पर हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x2। ठीक है अब सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, जैसे कि हम थोड़ा ग्राफिकली इसको समझ रहे हैं तो यही चेक करेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, जो पार्टीशन है पहले तो यहाँ पर इसको डिनोट कर देते हैं पार्टीशन को 1 2 3, ये हमारे पास पार्टीशन है यहाँ पर। ठीक है अब देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले पार्टीशन के जो वैल्यू 1 है ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो फंक्शन हमारे पास हो जाएगा 1, फिर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16, तो एक तरीके से वैल्यू घटती जा रही है, ये 1 है फिर 1/4 हुआ फिर 1/9 हुआ फिर 1/16 हुआ, तो फंक्शन हमारे पास कैसा है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए यदि हम थोड़ा ग्राफिकली इसको समझ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है ये हमारे पास सब इंटरवल्स हैं 3 हमारे पास इसके लिए सब इंटरवल बने, और 1 पर फंक्शन हमारे पास वैल्यू देगा 1, 2 पर हमें वैल्यू मिली 1/4, 3 पर हमें वैल्यू मिली 1/9, 4 पर हमें मिली 1/16। अब हमारे पास केवल इतना ही वर्किंग रूल रहता है कि हमें लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए सुप्रीमम और इन्फ्रीमम को यहाँ पर लिखना है कि सब इंटरवल के लिए कौन सा सुप्रीमम रहेगा कौन सा इन्फ्रीमम रहेगा, और उनको ऐड कर देना सिंपली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए। तो सबसे पहले सब इंटरवल लेते हैं हम 1 2, फिर लेंगे हम 2 3, और फिर लेंगे हम लास्ट 1 3 4, ये हम सब इंटरवल लेंगे यहाँ पर। अब इसके लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड, जैसे कि मैं यहाँ पर अम वन अम टू स्मॉल में दर्शा देता हूँ फिर कैपिटल में दर्शा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको रिलेट कर सकें, कुछ इस तरीके से हो जाएगा 3 है यहाँ पर। ठीक है
और ये यहाँ पर वन है। तो देखिए लिस्ट अप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंटरवल हमने ले लिया सब इंटरवल एक, इसमें हमारे पास ये वैल्यू है वन और वन बाई फोर, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वन बाई फोर है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा एज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहेगा, तो ये हमारे पास वन बाई फोर रहेगा। लिस्ट अपर बाउंड एज ए सुप्रीमम हमारे पास ये वन रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सब इंटरवल है यहाँ पर टू थ्री, इसमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वन बाई नाइन है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा कुछ इस तरीके से इंप्रीमम और वन बाई फोर एज ए सुप्रीमम। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो इंटरवल है सब इंटरवल थ्री फोर, इसमें हमारे पास वैल्यूज है वन बाई नाइन वन बाई सिक्सटीन, अब इसमें हमारे पास वन बाई सिक्सटीन सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे पास एज ए इन्फ्रीमम और वन बाई एज ए नाइन एज ए सुप्रीमम। अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली लोअर सम निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो लोअर सम के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास आइडेंटिटी लिख देते हैं हम यहाँ पर, आर इक्वल टू वन से लेकर थ्री हमारे पास सब इंटरवल है, तो यहाँ पर थ्री और यहाँ पर स्मॉल आर डेल आर। अब लेंथ हम निकालते हैं, तो देखिए ये लेंथ कितनी निकलेगी, डेल वन वन, ये कितनी निकलेगी, डेल टू इक्वल टू वन, ये कितनी निकलेगी, डेल थ्री इक्वल टू वन, मतलब कि फोर नेगेटिव थ्री वन, थ्री नेगेटिव टू वन, टू नेगेटिव वन वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा ओपन करते लिखते हैं थ्री टाइम्स, तो एम वन डेल वन, एम टू डेल टू, एम थ्री डेल थ्री, ठीक है स्मॉल में है, तो अब सब के इंथ्रीमम को हम लेते हैं, तो एम वन स्मॉल में वन बाई फोर इंटू में वन, फिर प्लस एम टू, एम टू यहाँ पर क्या है वन बाई नाइन है इंथ्रीमम के केस में हम देख रहे हैं, तो इंटू में वन, फिर एम थ्री वन बाई सिक्सटीन है इंटू में वन, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर वन फोर फोर कुछ इस तरीके से एलसीएम आएगा, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ऊपर जब हम एलसीएम लेते हैं इसको ऐड कर देते हैं सिक्सटी वन, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है लोअर सम। अब हम अपर सम निकालते हैं, तो अपर सम बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इस केस में हम लिख देते हैं आर इक्वल टू वन से लेकर थ्री, कैपिटल एम से इसको दर्शा देंगे यहाँ पर हम डेल आर, तो कैपिटल एम वन डेल वन, कैपिटल एम टू डेल टू, कैपिटल एम थ्री डेल थ्री, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखिए वन वन बाई फोर वन बाई नाइन, और डेल वन डेल टू डेल थ्री हमारे पास क्या वन ही है, तो वन इंटू में वन, फिर वन बाई फोर इंटू में वन, वन बाई नाइन इंटू में वन, तो सिंपली एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस यहाँ पर फोर से करेंगे तो फोर नाइन पर होगा ये, और नाइन पर तो फोर आ जाएगा ये नफा, ठीक है, तो थर्टी सिक्स और फोर फोर्टी और फोर्टी नाइन बाई थर्टी सिक्स, तो ये हमारे पास आ चुका है यहाँ पर अपर सम कुछ इस तरीके से। अब हमें निकालना है ओसिलेटरी सम, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ, और ये एफ ओ पी फंक्शन, एफ हमारे पास फंक्शन है और पी हमारे पास पार्टीशन है, तो कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ये हमारे पास सिंपल आपको बताइए क्या होता है, अपर सम नेगेटिव लोअर सम, तो अपर सम हमारे पास क्या है 49 बाई 36, और लोअर सम हमारे पास क्या है 61। अब एलसीएम लेते हुए एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम ये आएगा 144, मतलब कि 144 ही आएगा एलसीएम, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी 4 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 196 नेगेटिव 61, जो कि हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ से 135 अपॉन में 144, जो कि हमारे पास क्या होगी ओसिलेटरी सम की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपर सम लोअर सम एंड ओसिलेटरी सम फाइंड आउट करना सीख लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पेज काफ़ी बुरा लग रहा था यहाँ से फटा हुआ, तो मैंने पहले इसको ठीक कर दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर टू को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्यूट लोअर सम एंड अपर सम फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन की फॉर्म में, ये एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 2 3, इन पार्टीशन हमारे पास गिवन है 1 2 3, तो हमें फाइंड आउट करना है अपर सम एंड लोअर सम फॉर दिस फंक्शन इन दिस पार्टीशन। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पार्ट और है यहाँ पर, आल्सो कंप्यूट दीज वैल्यूज, मतलब कि दीज वैल्यूज मीन्स लोअर सम एंड अपर सम हमें निकालने हैं फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी, जो हमारे पास पार्टीशन पी है इसमें हम रिफाइनमेंट कर देंगे, कोई भी एक मिड पॉइंट ले लेंगे। देखो यहाँ पर एनी शब्द का यूज़ किया गया है, तो जो बुक में दे रखा है जैसे कि यहाँ पर ले रखा है 2.3 एक पॉइंट कोई भी अफजाइल करके, तो हमें ऐसा नहीं करना कि 2.3 ही लेना है, हम कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर एनी लिखा गया है, केवल हमें रिजल्ट शो करना हम ऑब्जर्व क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है, सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके लिए ये वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं इसमें। तो देखिए वन पुट किया तो टू आएगी वैल्यू, टू पुट करेंगे तो थ्री आएगी, थ्री पुट करेंगे तो फोर आएगी, तो इस तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही है एक तरीके से। तो हम कहेंगे विच इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल एंड द पार्टीशन, पार्टीशन कुछ इस तरीके से लेट कर ली गई। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं,
किस तरीके से हमारे पास पार्टीशन है, इनको नोटेशन दे दी गई यहाँ पर एक्स नोड एक्स वन एक्स थ्री की फॉर्म में, ठीक है। अब फंक्शन चेक कर रहे हैं इस वैल्यूज पर, वन पर आएगा टू, टू पर हमारे पास फंक्शन वैल्यू देगा थ्री, थ्री पर हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर फोर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोर होगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास दो सब इंटरवल ये बन चुके हैं, एक तो ये बनेगा अपने पास वन टू फिर टू थ्री। अब हम क्या करेंगे, सिंपली लोअर सम और अपर सम निकालने के लिए सुप्रीमम और इन्फ्रीमम की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम करते हैं यहाँ पर इस सब इंटरवल के लिए, हमारे पास सुप्रीमम क्या होगा, थ्री होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू यही है इन दोनों में से। इन्फ्रीमम हमारे पास होगा टू। तो देखिए हम सबसे पहले लोअर सम निकाल रहे हैं, तो टू लेंगे यहाँ से, तो और फिर देखिए इसके बीच का जो हमारे पास लेंथ होगी टू नेगेटिव वन वो क्या होगी वन, तो टू इंटू में वन फिर प्लस। अब देखिए अब इससे अब इंटरवल में देखिए इन्फ्रीमम हमारे पास क्या होगा, ये थ्री वैल्यू देगा यहाँ पर, ये फोर होगा, तो थ्री इंटू में इसकी लेंथ क्या होगी वन, तो देखिए टू इंटू में वन प्लस थ्री इंटू में वन, तो एक तरीके से थ्री प्लस टू फाइव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लोअर सम की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर फाइंड आउट करके बता रखी है। अब अपर सम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सुप्रीमम को लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा इस सब इंटरवल पर थ्री, इस पर क्या होगा फोर, थ्री इंटू में वन प्लस फोर इंटू में वन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी अपर सम की वैल्यू इक्वल टू सेवन आ जाएगी। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे सेकंड पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर डन हो चुका है, बुक की लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से करा, बट हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही इस तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, कोई भी एक रिफाइनमेंट एक कंसिडर करनी थी पी पार्टीशन के लिए, तो जैसे कि बुक में ले रखा है 2.3 कोई भी एक पॉइंट, हम यहाँ पर 2.1 2.2 या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पर 1.2, कुछ इसी तरीके से हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है 1, 2, 3 को इसमें शामिल करना ही होगा, ठीक है। अगर आप 2 को शामिल ना करते हुए 2.3 लिख देंगे तो ये हमारे पास रिफाइनमेंट नहीं मानी जाएगी पी की पार्टीशन के लिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए 2.3 लिया गया एक पॉइंट, तो एक तरीके से हमारे पास जो सब इंटरवल बनेंगे वो क्या आ जाएंगे, अब तीन हो जाएंगे 1 to 2 2 to 2.3 और फिर 2.3 से लेकर 3 लग, तो हमारे पास 1 पर आपको पता फंक्शन क्या वैल्यू देगा 2 देगा, 2 पर हमें पता है वैल्यू क्या देगा 3 देगा, ठीक है। इसी तरीके से 2.3 पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी 2.3 प्लस 1 ये हमें वैल्यू मिलेगी 3.3 करके कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 3 पर हमें वैल्यू मिलेगी आपको बताइए 4 मिलेगी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपर सम और लोअर सम पार्टीशन के लिए किस तरीके से निकलेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ये हम लोअर सम निकाल रहे हैं तो M1 समोल की फॉर्म में लेंगे, फिर डेल वन इसकी लेंथ प्लस M2 फिर इसकी लेंथ फिर M3 फिर इसकी लेंथ, तो इसको सोल्व आउट करके देखते हैं, सोल्व आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, जैसे कि यहाँ पर रहते हैं 1, 2, 2.3, 3 ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2, यहाँ पर 3, 3.3 और यहाँ पर 4। अब देखिए लेंथ हमें पता है ये क्या आएगी 1, ये 2.3 नेगेटिव 2, तो 3 मतलब 0.3 आ गई यहाँ पर लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 नेगेटिव 2.3, तो एक तरीके से 7 मतलब 0.7 आएगी हमारे पास लेंथ यहाँ पर, तो लेंथ में चेंज हुआ है यहाँ पर, ये डेल 3 डेल 1 डेल 2 डेल 1 पुट कर देते हैं, तो देखिए इस जो सब इंटरवल हम सबसे पहले लोअर सम निकाल रहे हैं यहाँ पर पार्टीशन के लिए PDS का यहाँ पर यूज करेंगे, तो सिंपली देखिए इन्फ्रीमम क्या है, इस हमारे पास सब इंटरवल में 2 है तो 2 इंटू में 1 फिर प्लस इसमें क्या है 3 है तो 3 इंटू में 0.3 फिर इसमें क्या है ये हमारे पास है 3.3 3.3 इंटू में 0.7 तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर 9 होगा तो 0.9 प्लस और यहाँ पर इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और ये 23 और 2 पॉइंट होंगे तो ये हो जाएगा 2.31, इनको ऐड जब हम कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा 5.21, कुछ इस तरीके से आ चुका हमारे पास लोअर सम। बिल्कुल इसी वे में हम सुप्रीमम की वैल्यूज लेते हुए इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी सुप्रीमम के लिए मतलब कि अपर सम के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो अब हमने ऑब्जर्व क्या क्या है यहाँ से वो हमें यहाँ पर लिखना होगा लास्ट वन। देखिए जब हमने सिंपल पार्टीशन के लिए निकाला था लोअर सम तो यहाँ पर आया था 5 और इसमें हमारे पास क्या है 5.21, तो एक तरीके से रिफाइनमेंट जब हमने की तो जो लोअर सम है वो तो इंक्रीज हुआ है, और अगर हम बात करते हैं अपर सम की तो यहाँ पर देखिए 7 वैल्यू आई थी और यहाँ पर है 6.79, तो जो अपर सम है वो हमारे पास क्या हुआ है रिफाइनमेंट में डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर इट फॉलो डैट
लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट पी डैश इज ग्रेटर देन द लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी बट अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट इज लेस देन दैट ऑफ पार्टीशन पी। तो केवल हमें ये ऑब्जर्व किया है। फिर आगे के जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये बेस हैं रायमन इंटीग्रल पर। तो रायमन इंटीग्रल का कंसेप्ट हम समझ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके तुरंत बाद ही हम इनको समझेंगे लेक्चर 3 में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर 1.1 एक्सरसाइज में, केवल एक ही क्वेश्चन है ये, इस पर बेस्ड अपर सम एंड लोअर सम पर, बाकी में तो रायमन इंटीग्रल का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसको आप अपने आप से करके देखेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको आप अभी करिए, वीडियो को स्किप करते हुए, 5 से 10 सेकंड की वीडियो रहती होगी। कमेंट करके बताइए कि क्या आपने फर्स्ट टाइम में इसको करेक्ट कर दिया क्वेश्चन को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।